आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जब भी काम करते हैं तो काम करने के दरमियान आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप करना पड़ता है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, हिंदी लिखने के लिए आप क्या करते हैं, होम टैब जाते हैं, फॉन्ट ब्लॉक जाते हैं, फॉन्ट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हुए आप हिंदी के लिए वो कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे हिंदी आपके लिए टाइप। आप सभी का स्वागत है, अब मुझे यहाँ पे अंग्रेजी लिखना था तो नॉर्मली फिर से आप फॉन्ट पे जाओगे और इंग्लिश का कोई फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अंकुर कंप्यूटर एजुकेशन में। अब फिर से मुझे हिंदी लिखना है तो सिंपली आपको फिर से फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से फॉन्ट चेंज करके आप फिर से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, आपका टाइपिंग स्पीड कभी इंप्रूव नहीं होगा और बार बार आपको फॉन्ट चेंज करने में परेशानी होगी और आप प्रोफेशनल तरीके से काम भी यहाँ पे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको एमएस वर्ड में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप प्रोफेशनल तरीके से आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से टाइप कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश फॉन्ट को सेट करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है और जैसे ऑप्शंस पे क्लिक करो तो अलग अलग बहुत सारे टैब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन वाले टैब पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसका नाम है कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज। तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैटेगरीज में वो तमाम टैब आपको दिख जाएंगे जो आपके एमएस वर्ड में यूज किए जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और चूंकि मुझे फॉन्ट के लिए शॉर्टकट बनाना है तो यहाँ पे कीबोर्ड से आपको ऐप बटन प्रेस करना है। जैसे ऐप बटन प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट आपके लिए सिलेक्ट हो चुका होगा। जैसे फॉन्ट सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट्स के लिए आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल्ड किए गए सभी के नाम दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी टाइपिंग करने के लिए आप जिस फॉन्ट में टाइप करना चाहते हैं उस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कुर्ती देव को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से के प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे के रिलेटेड फॉन्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुर्ती देव 10 फॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आप देख सकते हैं करंट कीज, तो सिंपली यहाँ पे करंट कीज में आपका ये कुर्ती देव सेलेक्ट है फॉन्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है जो प्रेस करना है न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ पे कर्जर को एक्टिवेट करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपके कीबोर्ड में ए से जेड तक पहले से शॉर्टकट किसी ना किसी का निर्धारित है तो यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट बनाना है जो कंप्यूटर में पहले से यूज नहीं किया जा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाता हूँ और नंबर पैड से 1 बटन दबा लेता हूँ और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आपको असाइन पे क्लिक कर लेना है। अब असाइन पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कुर्ती देव के लिए बन चुका है। अब मैं इंग्लिश फॉन्ट के लिए कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ तो मैं टी प्रेस करता हूँ तो टी से रिलेटेड जितना भी फॉन्ट होंगे सभी आ जाएंगे। अब टाइम्स न्यू रोमन के लिए मैं फिर से यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट पे कर्जर रखते हुए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 2 बटन असाइन कर देता हूँ इसको। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे असाइन करना और सिंपली आपको इसे क्लोज कर लेना और फाइनली यहाँ पे आपको सिर्फ ओके कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलेबरी बडी फॉन्ट सेलेक्ट है। अब मान लीजिए मुझे हिंदी लिखना है तो मैंने जस्ट आपके सामने हिंदी के लिए कंट्रोल के साथ 1 कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया था। तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे फॉन्ट में यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो चुका होगा। अब आसानी से आप यहाँ पे हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी का स्वागत है। मान लीजिए मुझे इंग्लिश लिखना था तो इंग्लिश के लिए आपके सामने मैंने 2 कंट्रोल के साथ 2 बनाया था। तो सिंपली मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करते हुए 2 बटन दबाता हूं तो देख सकते हैं यहां पे फॉन्ट चेंज हो गया होगा। अब यहां पे आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। अंकुर कंप्यूटर एजुकेशन में। आपको अगर हिंदी टाइप करना तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना। तो इस प्रकार आप मिक्स टाइपिंग को बहुत आसान तरीके से एमएस वर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इसी प्रकार के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।